जया जी, हम पूरी उम्र पूजा पाठ में लगाते हैं। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, अपने अपने तरीके से ठाकुर जी को प्रसन्न करते हैं, लेकिन हमें कैसे आभास हो कि हमारी सेवा, हमारी पूजा ठाकुर जी तक पहुंच रही है? एक आम आदमी ये कैसे जान पाएगा? सबसे पहले तो ठाकुर जी पर विश्वास रखें। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है, अपने आप आभास होने लग जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी आवाज़ मैं ठाकुर जी की कहूँगी, ये हर किसी को आती है, हम माने ना माने, हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं। एक बार ही कहूँगी मैं, भले ही ज़्यादा बार भी ना कहूँ, एक बार मन में ज़रूर आता है ये गलत है, ये सही नहीं है। पर हाँ, आज जो संसार में इतने डूब गए हैं कि वो आवाज़ तुरंत बंद हो जाती है, या हम उसे बंद कर देते हैं कि नहीं, सब तो करते हैं, क्या गलत है। लेकिन वो जो एक आवाज़ रहती है वो ठाकुर जी की रहती है कि वो गलत है। और जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है, मैं आपसे कहूँगी, ये सबके साथ होगा, ऐसा ही नहीं है मेरे साथ ही सिर्फ होता है, और ऐसा नहीं हमेशा से मेरे साथ हुआ। जैसे जैसे विश्वास ज़्यादा बढ़ता गया, ये तब शुरू हुआ। मैं कोई भी, मुझसे कोई गलती हो जाए, मुझे डर लगता है कि क्या करूँ, बताऊँ कि नहीं, क्या पता माता पिता डांटेंगे। तो कभी कभार ऐसा होता है मैं एक दिन नहीं कहती, मुझे बहुत डर लग रहा है, तब ये सच में मेरे साथ होता है, मैं झूठ नहीं कहूँगी। मेरे कमरे में जो ठाकुर जी की मूर्ति है, मुझे वो मूर्ति रोती हुई नज़र आती है, जैसे ठाकुर जी बहुत दुखी है कि आज मैंने ये बात छुपाई, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरे दिन मैं जाकर कह देती हूँ कि मुझसे ऐसी ऐसी गलती हो गई। लेकिन ये जैसे जैसे आप विश्वास आपका बढ़ेगा, को अपने आप आभास होने लगेगा। कोई भी अच्छा कार्य आप अगर मन से कर रहे हैं तो वो हो जाता है। जैसे विश्वास जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, ठाकुर जी अपनी कृपा बढ़ाते जाएंगे। उन्हें तो, वो तो भक्त का इंतज़ार करते हैं। आप वो मान, पद, प्रतिष्ठा कुछ नहीं देखते, आपकी भक्ति देखते हैं। मन में भक्ति है तो चाहे कोई भी हो, उसे वो गले से लगाते हैं। बस भक्ति और विश्वास रखिए। नरसी जी, विश्वास तो था ना धन, ना कोई प्रतिष्ठा, ना पद, कुछ नहीं था। कितने प्रतिष्ठा वाले, और श्रीरंग जी कितने धनवान थे, पूरे गांव में उनकी इतनी इज्जत, पर ठाकुर जी ने मायरा तो नरसी जी के साथ आकर भरा, क्योंकि उनके पास विश्वास था, भक्ति थी। और जिस घर में ठाकुर जी की पूजा होती हो, कीर्तन होता हो, गौ माता की सेवा होती हो, तुलसी जी की सेवा होती हो, और जहाँ घर के जो सदस्य हैं, बेटा श्री राम की तरह हो, बहू सीता माता की तरह हो, माता पिता श्री दशरथ जी और श्री कौशल्या जी की तरह हो, जहाँ जो दादा दादी है या माता पिता है उनकी सेवा होती हो, उनका निरादर ना होता हो, तो वहाँ तो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है, यहाँ तो भगवत कृपा है। जया जी, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि गीता, रामचरितमानस, इससे एक आम आदमी का कैसे कल्याण संभव है, या उसके जीवन में इसका क्या योगदान हो सकता है? बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मैं तो कहूँगी इनसे आराम से वो अपना कल्याण कर सकते हैं। जैसे जो गीता जी है, उसमें जो मार्ग बताया गया है, जो ठाकुर जी ने आदेश दिए हैं, अगर हम उनका पालन करें तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में आप देखते हैं ठाकुर जी की जो लीलाएं बताई गई हैं, जैसा जैसा ठाकुर जी ने किया है, रामचरितमानस में राम जी जैसे बने, उसमें आपको एक परिवार को कैसे रहना चाहिए साफ साफ लिखा है। एक बेटी को कैसे रहना चाहिए, एक बहू को कैसे रहना चाहिए, एक बेटे को कैसे रहना चाहिए, पति को कैसे रहना चाहिए, पिता को कैसे रहना चाहिए, सबके बारे में बताया गया है। जैसा उन्होंने किया वैसा अगर हम करें अपने ज़िंदगी में, या पूरी भी चीज़ ना करें, किसी एक चीज़ को भी अगर हम जीवन में उतार लें, तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो इन ग्रंथों में जो जो लिखा गया है, जो जो बताया गया है, जैसे मार्ग बताए गए हैं, उन पर चलकर हम अपना आराम से कल्याण कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी, कहते हैं ना, वो गारंटी के साथ कहती हूँ, या चैलेंज देती हूँ, या कुछ भी मान लीजिए आप, आपकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या का समाधान चाहिए हो, तो मैं कहती हूँ गीता जी
या रामायण रामचरितमानस का कोई भी एक दोहा या एक श्लोक आप पढ़ लें। अगर आपको समाधान नहीं मिले तो आप मेरे पास आओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समाधान ना मिले। हमारे ग्रंथों में जो कहा गया है, मैं पूरी भी नहीं कहूँगी, कोई भी एक दोहा या एक श्लोक आप पढ़ लें, आपको समाधान मिल जाएगा, आपका मन विचलित नहीं होगा, आपको शांति मिल जाएगी। मैं आपसे कहती हूँ जया जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि नारियों पे आजकल बहुत अत्याचार हो रहा है, हम आए दिन अखबार में ये सब पढ़ते हैं, तो इसको कैसे रोका जा सकता है और इसमें नारी की अपने आप में क्या भूमिका होनी चाहिए? मैं ज़रूर मानूंगी नारियों पे आज बहुत अत्याचार हो रहे हैं और इसके दो सबसे बड़े कारण मैं कहूँगी, ऐसे तो कई कारण हैं पर जो सबसे बड़े कारण हैं, सबसे पहला अशिक्षा, शिक्षा की जो कमी हो रही है। आज हम शिक्षित नहीं हैं तो हम सोच समझ के कार्य नहीं करते, विवेक नहीं है हमारे पास, शिक्षा से विवेक आता है। और दूसरा कारण है मदिरापान। आज जब हम मदिरा पीते हैं तो हम नशे में रहते हैं, हमें तब समझ में नहीं आता कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं या क्या कार्य कर रहे हैं, उसकी कैसी सज़ा मिलेगी हमें। हम कैसी भी सज़ा कर दें कि आप ये कार्य करोगे तो इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, पर वो जब नशे में है उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, हम जो गलत कार्य आज कर रहे हैं वो सब नशे में करते हैं। तो ये दो अगर बंद हो सके तो बहुत बड़ा उपकार होगा। जितने भक्त हैं उनसे भी मैं कहती हूँ, सरकार से भी कहती हूँ, शिक्षा बढ़ाएं, लोगों को शिक्षित रखें, कि आज के ज़माने में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं कथा भी करती हूँ तो मैं साथ में पढ़ाई भी पूरी करती हूँ। और मैं सबसे कहूँगी, आज बहुत जन है जो मेरे पास आते हैं, कहते हैं आपके साथ रहना है, आपके जैसा बनना है तो आपके साथ ही चलते हैं। नहीं, मैंने तो घर नहीं छोड़ा, मैंने तो पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैं कथा के साथ ये भी करती हूँ। तो शिक्षा ज़रूरी है और मदिरा पान बंद कर सके। और नारियों की जो भूमिका है, देखिए जैसा ठाकुर जी ने कहा कि कर्म आपको ही करना पड़ेगा, फल वो ज़रूर दे रहे हैं, आप पहला कदम तो उठाएं। तो आपको अत्याचार नहीं सहना है, सहन शक्ति रखें, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। जैसे सहन शक्ति यानी आपके जो पति है, मानिए वो अगर काम ना करते हों, उनके पास काम नहीं है, तो मान सकते हैं मन थोड़ा विचलित रहता है, तो पत्नी को सहन शक्ति रखनी है, उन्हें समझाना है और जैसी स्थिति है उसमें खुश रहना है। और अत्याचार हुआ कि वो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, आप पर हाथ उठाते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो ये सब ना सहे। अत्याचार हो तो ज़रूर आवाज़ उठाएं। जितनी भी नारियां हैं, लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, मैं सबसे कहूँगी अत्याचार ना सहे। और सबसे बड़ा आप जो देखते हैं, जो भ्रूण हत्या आजकल, ये बहुत गलत है महाराज। आप बेटियों को मौका तो दीजिए। आज जो बेटे नहीं कर सकते वो बेटियां करके दिखा रही हैं, जितना नाम आज रोशन बेटियां कर रही है। आप किसी भी नारी को उठा के देख लीजिए जो आज बहुत ऊंचे मुकाम पे है, तो महाराज उन्हें मौका दीजिए। ठाकुर जी का प्रसाद है सबसे बड़ी बात। आज ठाकुर जी हम सबसे ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा सयाने हैं, उन्हें पता है किसके लिए क्या ठीक है। और ठीक बैठीक सिर्फ हमारी दृष्टि में होता है, ठाकुर जी की दृष्टि में सब ठीक ही ठीक होता है। वो जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो जो भ्रूण हत्या जैसा पाप आप ना करें। पर ना आज देखिए महाराज, बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है और ना गर्भ के बाहर। तो महाराज बेटियों की रक्षा करें, भ्रूण हत्या जैसा पाप ना करें, उन्हें शिक्षा दे, आशीर्वाद दे, स्नेह दे, आगे बढ़ाए, फिर देखिए वो कैसे कमाल करती है। जया जी, आपकी हॉबीज़ क्या है? मैंने ऐसे सुना है कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं। पेंटिंग मैं करती हूँ, बहुत अच्छी का पता नहीं, पर हाँ, हर जन्माष्टमी में मैं ठाकुर जी की रंगोली मानती हूँ मेरी माता के साथ। वो क्योंकि महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में रंगोली बहुत मांडी जाती है, तो हर जन्माष्टमी मैं ठाकुर जी का चित्र बनाती हूँ, उस पर रंगोली मानती हूँ, ये हर साल। कभी कभार अगर हम खाली बैठे हों, थोड़ा टाइम है, 10-15 मिनट ही मानिए,
तो कभी कभार बना लेते हैं, बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा। जया जी, एक आम आदमी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं अपने अपने तरीके से, फिर भी उनके जीवन में दुख आता है, तो उन्हें लगता है कि हम लोग इतनी सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, पर ये दुख क्यों आता है, तो इसके कारण क्या हैं? देखिए, दुख सुख तो सबके जीवन में आते हैं, आपत्ति संपत्ति और विपत्ति ये आते जाते रहते हैं। अब हम तो आम इंसान हैं, ठाकुर जी श्री राम आप देखिए उनके जीवन में भी कितने दुख आए, तो दुख सुख सबके जीवन में आते हैं। पर हाँ, हम ये मान के चलें कि अगर ठाकुर जी हमें दुख दे रहे हैं तो हमारे पाप काट रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगी। एक माता खड़ी है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, सब बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। माता के मन में आया कि मैं सबको कोई मिठाई दूँ या चॉकलेट दूँ, कुछ भी दूँ, तो वो दे सकती है, आराम से दे सकते हैं। हमें कोई बच्चा पसंद आया तो हम उसे कुछ दे सकते हैं। अब मानिए सब बच्चे कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो क्या वो माता सबको थप्पड़ मार सकती है? वो मार तो अपने ही बच्चे को सकती है। तो ठाकुर जी हमें अपना मानते हैं, इसीलिए हमें दुख देते हैं, ताकि हमारे पाप कट जाए। तो अगर ठाकुर जी दुख दे रहे हैं तो हमें तो और उनका शुक्रिया करना चाहिए कि धन्य है ठाकुर जी जिन्होंने हमें अपना माना और हमारे पाप काट दिए। तो महाराज, दुख आए तो ये ना सोचे दुख क्यों आए हैं, ये सोच के खुश हो कि हमारे पाप कट रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे राधा स्वरूपा परम पूज्य जया किशोरी जी से। मैं पूरे संस्कार परिवार की ओर से जया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद कि आप आईं, आपने हमें समय दिया। राधे राधे। राधे राधे।